उस खबर से खबरदार करते हैं जो धार्मिक त्योहार आते ही सामने आने लगती है। बड़ी खबर है कि गुजरात के नर्मदा जिले में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया है। हालात इतने बिगड़े कि उपद्रव काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक पुलिस को छोड़ने पड़े। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या त्योहारों के दौरान धार्मिक यात्रा या दूसरे धर्म से जुड़ी यात्राओं में हिंसा इसी तरीके से होती रहेगी? माहौल कौन बिगाड़ता है? कैसे देश के वडोदरा से लेकर यूपी के कुशीनगर तक की ऐसी खबरें आई? मजहबी हिंसा, मजहबी यात्रा, हिंसक पत्थर, धर्म कर्म का नाम और कानून विरोधी काम, ये उत्तर प्रदेश का जिला कुशीनगर है। उन्मादियों की भीड़ है, जुबान पर नारेबाजी और हाथ में पत्थर। कहने को तो ये मजहबी यात्रा थी, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने यात्रा के नाम पर विधि व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया। कसिया इलाके में दर्जनों की भीड़ भागती हुई आती है, इस बड़े से गेट के अंदर घुसती है और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पास ही ईंटें रखी हुई हैं। भीड़ से कुछ लोग ईंटें उठाकर एक मकान पर फेंकने लगते हैं। देखने से ऐसा लगता है ये कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जुबान पर नारेबाजी और हाथ में ईंट, एक के बाद एक ईंटें फेंकी जाने लगी। कुछ लोग मेन गेट पर पत्थर फेंक रहे थे। बवाल की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची तो पत्थरबाज भाग खड़े हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान भी ग्राउंड पर पहुंचे और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी की स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण दो पक्षों में मारपीट हुई। वहां पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें अभी तक कुल 19 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की माने तो मामला दो लोगों के बीच आपसी विवाद का था, जिसे मजहबी रंग देने की कोशिश हुई। इस मामले में कई आरोपी फरार भी हैं। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं। छतों से पत्थर फेंकने की ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। गली में भारी भीड़ है, पुलिस के जवान और छत पर पत्थरबाज हैं। वडोदरा में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकल रही थी और यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। छत से पत्थर बरस रहे थे और नीचे खड़े लोग सिर बचाने के लिए इधर उधर छिपने का प्रयास कर रहे थे। पत्थरबाजी के दौरान बीच बीच में धमाके भी हो रहे थे। ये धमाके पटाखों से किए जा रहे थे या फिर देसी बम फेंक दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव करने का मकसद क्या था? क्या किसी साजिश के तहत इलाके का माहौल खराब करने के लिए पथराव किया गया? ये तब साफ होगा जब पुलिस की जांच पूरी होगी। विसर्जन यात्रा पर पथराव से लोग नाराज हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में गणेश भक्तों ने हिंसा और पत्थर के जवाब में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसर मौके पर डटे रहे और श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश करते रहे। श्रद्धालु इस बात पर अड़े थे कि जब तक पत्थरबाजों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मूर्ति विसर्जित नहीं की जाएगी। मान मनोवल जारी रहा और आखिरकार गणेश भक्त मान गए और मूर्ति विसर्जन को राजी हो गए। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे इलाके में पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है ताकि पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। कुशीनगर से संतोष सिंह के साथ दिग्विजय पाठक, वडोदरा आज तक।